अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है भाई। आज की वीडियो तो काफी स्पेशल होने वाली है। मुझे पता था भाई आप लोगों के डिमांड्स भी इसी तरह की होती हैं। तो टॉप 10 क्रिकेट स्टेडियम्स ऑफ पाकिस्तान आज की वीडियो में भाई हम देखेंगे कि आखिर पाकिस्तान में कौन से ऐसे छुपे स्टेडियम्स हैं जो कि हमारे नजरों के पीछे हैं। हम तो सिर्फ तीन चार ही देख रहे हैं जो कि लाहौर, पिंडी, नेशनल, इन्हीं में इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। लेकिन आपको पता है कि भाई पाकिस्तान भरा है इस तरह से खूबसूरत स्टेडियम से। तो आज की वीडियो में फाइनली भाई हम टॉप 10 क्रिकेट स्टेडियम्स ऑफ पाकिस्तान देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यार, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे। लेट्स गो। सबसे पहले हमारे पास लिस्ट में आ जाता है बहावलपुर का जो ड्रिंग स्टेडियम है। वाओ यार, ड्रिंग स्टेडियम आपका बिल्कुल ओपन स्काई स्टेडियम है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। 1954 में भाई ये स्टेडियम बनाया गया था और इसकी जो कुल कैपेसिटी है वो 15,000 स्पेक्टेटर्स यहाँ पे बैठ सकते हैं और ना ही कोई स्टैंड्स हैं, ना ही इधर उधर के कोई बिल्डिंग्स वगैरह। अगर इर्द गिर्द आप देखें तो आपको घने दरख्त मिल जाएंगे और इसी के साथ ये पूरा का पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे हॉकी, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। तो ये जो स्टेडियम आपको नजर आ रहा है तो लेंथ वाइज काफी डिसेंट किस्म का स्टेडियम है जो कि भावलपुर में वाकई है। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की यहाँ पे बात करें तो जी हाँ, 1955 में यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के अगेंस्ट एक टेस्ट सीरीज भी हुई है। ये सिर्फ टेस्ट मैच ही इसने इंटरनेशनल अभी तक होस्ट किया है, ना ही कोई ओडीआई वगैरह और टी20। हाँ, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो यहाँ पे काफी सारी हो रही होती है। तो जो भावलपुर का ड्रिंग स्टेडियम है, वन ऑफ द फेवरेट क्रिकेट स्टेडियम्स में हम इसको शुमार करते हैं। स्टेडियम में भाई बिल्कुल सिंपल सा आपको एक मेन बिल्डिंग भी दिख जाएगा जिसमें प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम्स वगैरह सब होते हैं। यार अंग्रेजों का दौर था तो सब कुछ सिंपल सिंपल ही होता है। बिल्डिंग को देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी घर का बरामदा हो। तो खैर, ये एक मेन बिल्डिंग यहाँ इस स्टेडियम में है, ये है बहावलपुर का ड्रिंग स्टेडियम। सेकेंड नंबर की तरफ बढ़ते हैं प्यारे व्यूवर्स, हमारे पास लिस्ट में आ जाता है शेखुपुरा का खूबसूरत इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। वाओ यार, आप लोग जरा चेकआउट करें, इतना खूबसूरत रंग बरंगी स्टेडियम। मुझे तो बिल्कुल पिशावर का अरबाब निहां स्टेडियम याद आ गया। तो भाई शेखुपुरा का जो स्टेडियम है यहाँ पे भी 15,000 कैपेसिटी का ही है। वैसे पहले इतना क्रिकेट के साथ लोगों का शौक नहीं था तो छोटे कैपेसिटी वाले स्टेडियम भी बनाते थे, यही 15,000-20,000 तक। तो इस स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो भी 15,000 ही है और यहाँ पे भी ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट हुई है। 1996 में यहाँ पे पहला टेस्ट और जो आखिरी यहाँ पे ओडीआई खेला गया था ना, वो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 2008 में खेला गया था। तो ये भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की कैटेगरी में आ ही जाता है। अगर स्टेडियम को हम थोड़ा सा एक नजर डाल लें तो काफी खूबसूरत लेंथ के हिसाब से ये स्टेडियम है। अगर देखें इस तरफ आपको मेन बिल्डिंग एंड मीडिया सेंटर भी नजर आ जाएगा। हमने सामने स्टैंड्स बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में है। पीसीबी को इनकी तरफ गौर करना चाहिए क्योंकि शेखुपुरा का ये स्टेडियम बिल्कुल इंटरनेशनल वाइब्स दे रहा है। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो लिस्ट में आ जाता है भाई इब्ने कासिम बाग स्टेडियम, जो कि मुल्तान में वाके 18,000 स्पेक्टेटर्स की कैपेसिटी ये रखता है और ये मल्टी स्पोर्ट्स आप कह ले स्टेडियम है। ना ही सिर्फ यहाँ पे क्रिकेट खेली गई है, क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों होस्ट करने वाला जो ये खूबसूरत स्टेडियम है, अगर हम देखें लुक वाइज ये भी बिल्कुल पूरा उतर रहा है। बस छोटी मोटी अगर यहाँ पे भी रेनोवेशन का काम कर लेते हैं तो ये भी आपका बहुत खूबसूरत एसेट साबित हो सकता है। पवेलियंस यहाँ पे बनाने चाहिए फॉर एंड साइड पे भी और इस तरफ भी। एक चीज मैंने यहाँ पे नोट की है, जो फ्लड लाइट्स के टावर्स हैं ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे सिग्नल टावर्स लगे हों जोंग, टेलीनॉर, जैज वगैरह के। काफी बड़े बड़े टावर्स हैं चार इस स्टेडियम में। फोर्थ नंबर पे भाई लिस्ट में हमारे पास आ जाता है बुकटी स्टेडियम, जिस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। बहुत से लोग इसको देख भी चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे पीएसएल का एग्जीबिशन मैच भी हो चुका है एंड क्वेटा जिस तरह से खूबसूरत है तो ये स्टेडियम भी बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे वाकई है। एंड बुकटी स्टेडियम में ऑलरेडी बहुत ज्यादा नजरें पीसीबी की पड़ चुकी हैं, इसको भी इंशाल्लाह पीएसएल के वेन्यूज में शामिल किया जा सकता है। स्टैंड्स अपनी असली हालत में है, बस चेयर्स की इंस्टॉलेशन बाकी है, साथ थोड़ी बहुत जो फैसिलिटीज रिक्वायर्ड हैं वो भी इंशाल्लाह ये पूरा कर ही देंगे। वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, तो बस ये बुकटी स्टेडियम की हालत ऐसे ही है। थोड़ा सा इसको भाई सहारा मिल जाए तो ये आपका बहुत ही खूबसूरत वेन्यू शामिल हो सकता है। आप बैकग्राउंड में देख लें इतने खूबसूरत पहाड़ और लोकेशन, आए हाय हाय। 20,000 स्पेक्टेटर्स की कैपेसिटी यहाँ पे मौजूद है जो कि आजकल के हमारे जो पिंडी नेशनल है उन्हीं की भी यही 27,000-35,000 तक आसपास है। तो काफी डिसेंट कैपेसिटी है इसकी। ऑलरेडी आपको मैं बताऊं यहाँ के जो लोग हैं वो भी जिंदा दिल लोग हैं। जिस तरह फैसलाबाद का खचाखच भर जाता है तो एग्जीबिशन मैच में भी ये स्टेडियम ऐसे भरा था ना, पैर रखने की जगह भी नहीं थी। तो बुकटी का जो स्टेडियम है ये भी काफी खूबसूरत पाकिस्तान के एक एसेट में शामिल होता है। हमारे पास नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है द वन एंड ओनली मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, जो कि ऑब्वियसली आपने देखा भी है पीएसएल के मैचेस यहाँ पे होस्ट हुए हैं। यहाँ का जो रूफ है और जो स्टैंड्स है वो काफी वाइड है,
तो 35,000 कैपेसिटी का ये स्टेडियम है जो कि 2001 में एस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे सर्दियों में एक मसला होता था कि फॉग बहुत ज्यादा यहाँ पे आ जाती थी, तो उसकी वजह से इसको थोड़ा सा इग्नोर किया जा रहा है आजकल पीसीबी की तरफ से। लेकिन खैर, ये तो है ही हमारे इंटरनेशनल वेन्यूज में और यहाँ पे हर साल पीएसएल के मैचेस भी रखवाए जाते हैं। तो मुल्तान स्टेडियम हमारे पास नेक्स्ट नंबर पे था 35,000 कैपेसिटी का। नेक्स्ट हमारे पास स्टेडियम है वो आपका बिल्कुल फेवरेट स्टेडियम है, उसको तो आप भूल ही नहीं सकते कभी भी, अरबाब नियाज पिशावर का जो स्टेडियम है जिसकी हम अपडेट्स आपको देते चले आ रहे हैं। भाई ये काफी पुराना स्टेडियम है, अभी तो आपको रेनोवेशन का काम वहां पे दिख रहा है, लेकिन 1984 में जिस तरह ये स्टेडियम दिखता था ना पहले, तो वो कुछ इसी तरह से था। और स्टेडियम की कैपेसिटी अब 35,000 की जा रही है। रेनोवेशन के बाद आप देखें इसको डबल टीयर भी कर दिया, पाकिस्तान का पहला ये वाहिद स्टेडियम है जो कि डबल स्टैंड है। यहाँ पे भाई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 2006 में इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली गई है, जो पहला टेस्ट मैच था वो 1995 में खेला गया था। तो अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम भी वन ऑफ द फेवरेट क्रिकेट स्टेडियम्स में शुमार होता है। बस एक बात है कि यहाँ पे जब से लास्ट टाइम 2006 में क्रिकेट खेली गई थी, तो उसके बाद से बिल्कुल भी इस तरफ फोकस नहीं हो रहा, इग्नोर किया जा रहा है पीसीबी की तरफ से। एंड आई डोंट नो कि अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम को क्यों इस तरह से छोड़ा है। अब पता नहीं कि इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पे दोबारा कब वापस आएगी, क्योंकि बोल बोल के हम भी थक चुके हैं पिछले 3 सालों से। स्टेडियम कंप्लीट है, बस सिर्फ थोड़ा बहुत जो फाइनल टच होता है वही काम देना है, यहाँ पे भी मैचेस स्टार्ट हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आ जाता है मुजफ्फराबाद का क्रिकेट स्टेडियम, जो कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट ही होस्ट कर चुका है और कर रहा है, इंटरनेशनल कोई रिकॉर्ड इसका मौजूद नहीं है। इसको नैरोल क्रिकेट स्टेडियम भी कहते हैं और 10,000 कैपेसिटी का है। दिखने में तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि वाह जी वाह भाई, कोई इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड का स्टेडियम दिखा रहे हो, लेकिन ये भाई पाकिस्तान का ही है एंड काफी खूबसूरत लोकेशन पे है। पीछे भाई लंबे लंबे आपको पहाड़ एंड खूबसूरत ग्रीनरी नजर आएगी। कश्मीर प्रीमियर लीग भी होस्ट की है और इसी के साथ साथ इस पर भी थोड़ा अपग्रेडेशन वगैरह कर ले, हाथ पैर मार ले, तो ये भी काफी खूबसूरत आपका इंटरनेशनल वेन्यूज में आ सकता है। इसके बाद हमारे जो टॉप 3 स्टेडियम्स हैं वो आ जाते हैं, जिसमें भाई हमारे पास आ जाता है कजाफी स्टेडियम, जो कि 27,000 कैपेसिटी का स्टेडियम है। आपको लग ऐसा रहा होगा कि यार सबसे ज्यादा कैपेसिटी इसकी होनी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा स्टेडियम है, स्टैंड्स इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे भी बड़ा फिर नेशनल स्टेडियम कराची। नेक्स्ट भाई हमारे पास आ जाता है नेशनल स्टेडियम कराची, जिसका जो रूफ और स्टैंड्स और जंगले हैं इन्होंने बिल्कुल इसको पिंजरा बना दिया है, बट ये भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टेडियम है जो कि 35,000 स्पेक्टेटर्स की कैपेसिटी रखता है। एंड भाई आखिर में हमारे पास आ जाता है पिंडी का स्टेडियम, जो कि काफी ओपन स्काई स्टेडियम है और आप सब लोगों का फेवरेट स्टेडियम इस वक्त मौजूदा हालत में है वो पिंडी स्टेडियम है। यहाँ पे भी भाई रेनोवेशन का काम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कंप्लीट किया जाएगा, तो पहले जो 3 स्टेडियम है हमारे उसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा, उसके बाद जो दीगर मैंने सिटीज के आपको स्टेडियम अभी दिखाए हैं तो उस पर आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन फिर पीसीबी जाएगा, उन पर भी नजरें डालेगा। खैर भाई, तो ये टॉप 10 स्टेडियम्स मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आप सोच होंगे कि यार यहाँ पे तो बहुत स्टेडियम्स आपसे रह गए हैं, ना ही आपने रफी स्टेडियम का जिक्र किया, ना ही ये जो इकबाल स्टेडियम है फैसलाबाद का। तो भाई बहुत सारे स्टेडियम हैं पाकिस्तान में, कुल मिला के तो तकरीबन 25-30 स्टेडियम्स हैं पाकिस्तान में। भाई टॉप 10 क्रिकेट स्टेडियम्स, आई होप आपने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन गेन कर ली होगी पाकिस्तान में किस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्टेडियम इस वक्त अपनी हालत में मौजूद है, जो कि काफी पुराने 90s के स्टेडियम बने हैं। तो मैं बोलता हूं भाई आपसे अगली वीडियो में, वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।